ने मुझे यहां से उम्मीदवार बनाकर भेजा है और आप सबके बीच में आकर मुझे ये विश्वास मिलता है कि हमारे पन्ना प्रमुख ने भी कमर कस ली है और अब की बार नया कीर्तिमान बनाने के लिए कमर कस ली है मेरे भाई और बहनों। और जब मैं पन्ना प्रमुख की बात करता हूं तो मैं अपने भाई और बहनों से यही कहूंगा, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें 400 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार केंद्र में बनानी है। और हिमाचल प्रदेश ने 2014 में 2019 में चारों की चारों सीटें जिताई थी। आदरणीय बिंदल जी, आपने पूरे प्रदेश भर में 49वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। मैं जितनी प्रदेश का दौरा किया है, हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट तौर पर दिखता है 14 हो 19 हो या अब 24 आई हो, अब भी चारों की चारों सीटें जिताएंगे। 4 जून को चारों पर कमल का फूल खिलाएंगे। 28,000 करोड़ का कर्जा, डेढ़ साल में 28,000 करोड़ का कर्जा हो गया। 28,000 करोड़ का कर्ज लेकर क्या आपके 1500 रुपए आपको मिल गए महीने के? हाँ या ना? 1500 रुपया महीना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा कि नहीं खरीदा? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा कि नहीं खरीदा? क्या बागवानों को मुंह मंगे दाम मिल गए? क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? मिली? 5 लाख को अगर आप 68 विधानसभा क्षेत्र में भी बांटो तो कितनी नौकरी एक में आती? लगभग 8,000। आपके कितने मिली? 8 भी मिली 8,000 में से? और जो नौकरी देने वाला संस्थान प्रेम कुमार धूमल जी ने खोला था, कभी वीरभद्र जी ने बंद करवाया और कभी अब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बंद करवाया। मेरे भाई और बहनों, दिया क्या है? सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 15 महीनों में हिमाचल प्रदेश की जनता को मिला क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज कर्नाटक में इनका नाटक है और हिमाचल में भी इनकी नौटंकी कम नहीं है। कर्नाटक की हालत यह है, वहां की इनके अपने काउंसलर की बेटी नेहा का दिन दिहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। 7 बार चाकू गले में घोंप दिया जाता है, दिन दिहाड़े उसको मार दिया जाता है। वह निकाह करने से मंजूर करती है, ना मंजूरी करती है, मना कर देती है तो उसका गला रेत दिया जाता है। कांग्रेस का काउंसलर गली गली घूमता है, न्याय मांगता है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो अपने कांग्रेस के काउंसलर की बेटी को भी न्याय नहीं दिला पाते तो वो न्याय की गुहार करता है, तो मोदी सरकार से सीबीआई जांच मांगता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उनसे मिलने चले गए, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री उनके परिवार से, उनके पिता से मिलने चले गए, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि एक विशेष समुदाय का वोट बैंक हाथ से न चला जाए इसलिए वहां नहीं पहुंचे। दूसरा उदाहरण, जैसे राज्यसभा का चुनाव यहां पर हुआ वैसे ही राज्यसभा का चुनाव कर्नाटक में भी हुआ, वहां कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्या नाम नारे लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के असेंबली के परिसर में लगे। कोई कार्रवाई वहां पर कांग्रेस ने नहीं की। बम धमाका उसके कुछ दिनों के बाद बेंगलुरु में हुआ, आतंकवादियों को नहीं पकड़ा, वो भी ममता जी की सरकार में जाकर वेस्ट बंगाल में उनको शरण वहां पे मिल गई। कर्नाटक की पुलिस उनको भी नहीं पकड़ पाई, एनआईए ने जाकर वहां से गिरफ्तार किया। एक नहीं अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण काटकर
मुसलमान समुदाय को देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। मैं पूछता हूं प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से, क्या हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी, क्या आप इसका आरक्षण काटकर भी मुसलमान समुदाय को देने वाले हो?